यूपी के सीतापुर में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जेल में बंद आजम खान की मुलाकात के सवाल पर बताया, विपक्षी अपनी जमीनी हकीकत खो चुके हैं और इस तरह की चीजों से अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, पहले कानून का राज नहीं होता था, सत्ता में बैठे लोग कानून को अपने हाथों में लेते थे। 1922 ये चार लगातार जो चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय प्राप्त हुई, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश आज उनके साथ खड़ा है। जो 37 वर्षों के बाद कोई सरकार काम के बल पर सत्ता में दोबारा आई, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो इन लोग अपनी जमीनी हकीकत खो चुके हैं, तो अब इस तरह के चीज़ों से अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता भी इसको स्वीकार करने वाली नहीं। आजम खान पर एक और मुकदमा रामपुर में दर्ज हो गया, वारंट भी आ गया है यहाँ पर जेल में, तो क्या मानते हैं कि अब जो पहले की सरकारें रही हैं वो इस तरीके के लोगों को पनह देती थी और योगी जी की सरकार में निष्पक्ष काम कर रही है? देखिए, पहले जो है कानून का राज्य नहीं था, जो सत्ता में बैठे हुए लोग कानून को अपने हाथों में लिए हुए थे, उनके कार्यकर्ता हाथों में लेते थे, आज जो है योगी जी और मोदी जी के राज्य में कानून जो कहता है उसके ही अनुसार सबको चलना होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, सबको समान रूप से उस कानून का पालन होता है। एक आखिरी सवाल, राजभर जी कह रहे हैं कि 24 में एक नया मोर्चा बनाएंगे जो विपरीत लोग हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपके मित्र भी हैं राजभर जी? हाँ, मैं तो पहले भी कहता था कि भाई वो जो है अपने जो अलायंस किए हैं वो नेचुरल अलायंस नहीं है, और आज भी कहता हूँ। अभी आपसे मिले भी हैं दो दिन पहले? हमसे सदैव मिलते रहते हैं, हम लोग मुलाकात होती रहती है, मैं उनको कहता रहता हूँ कि जो आप सोचते हैं वो मोदी जी और योगी जी करते हैं, तो आप मोदी जी और योगी जी की नीतियों को आप मानिए, आप गलत जगह ले जाएंगे। तो ये 24 में आ जाएंगे आपके साथ राजभर जी, क्या लगता है? 24 में राजभर जी ने बहुत सारे लोग आएंगे, आप देख रहे हैं प्रतिदिन लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और अभी आप देखें जो सपा के संस्थापक सदस्य लोग थे, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े जो न्यू थे सत्यदेव त्रिपाठी जी गृह मंत्री हुआ करते थे, वो भाजपा ज्वाइन किए, राजेंद्र त्रिपाठी जी जो गृह मंत्री होते थे वो भाजपा ज्वाइन किए, आपके शत्रु प्रकाश जी जो सपा के संस्थापक सदस्य थे, तो हर दल के लोग आज मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर के आज जो है देश के लिए आज भाजपा के साथ